हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इज द वीडियो ऑल अबाउट एफपीएल लेसन 138 एंड टॉपिक नेम इज कंसोलिडेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक फ्रेंड्स। सो देयर इज वन सॉन्ग, द सॉन्ग नेम इज फायर वर्क बाई कैटी पेरी। ओके, सो दिस सॉन्ग यू विल बी यू नो वॉच टूडे इन योर क्लास। ओके, सो दिस सॉन्ग इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन वॉच। And after watching this song, you have to feel like here, मतलब song का जो है lyrics है उसको feel करना है, ठीक है। So आप पहले song को अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये song आप search कर लीजिए, song Firework Katy Perry। ये जो है अच्छा मतलब खासा जो है on YouTube पे available है, तो you can watch it and then you have to feel this. So do you hear is feel? Do you ever feel like प्लास्टिक बैग? हियर यू हैव टू फील प्लास्टिक बैग। ओके, आगे जो है डू यू एवर फील सो पेपर थिन। यहाँ पर आपको भरना है पेपर थिन। इसके बाद नीचे जाना है, जो जो बता रहा हूँ उतना भर लीजिए, ठीक है। यही लिरिक्स है इसका, ठीक है। एंड ये सॉन्ग बहुत अच्छा है एंड यू कैन वॉच इट, बहुत आपको मोटिवेशन देगा। देन यू जस्ट गो टू इनाइट द लाइट, यहाँ पर आपको हो जाएगा लाइट। ओके, एंड लेट इट में आपको हो जाएगा साइन। ओके, साइन और जस्ट डाउन द नाइट हो जाएगा। लाइक फोर्थ में आपको हो जाएगा जुलाई, लाइक फोर्थ ऑफ जुलाई। तो ऐसे आपको यहाँ हो जाएगा, नीचे आपको भरना है कम ऑन लेट योर कलर हो जाएगा आपको कलर ब्रस्ट। एंड लास्ट में आपको जो हो जाएगा यहाँ पर कलर ब्रस्ट के बाद यहाँ पर आपको भरना है परफेक्ट। ओके, सो आपको यहाँ पर भरना है यहाँ पर आपको भरना है कलर्स के बाद लेट योर परफेक्ट यू द, यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा दोस्तों परफेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा आपका फूड, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा रेनिंग। तो यही चीज़ यहाँ पर है, इतना था, क्लियर है। तो भर लीजिएगा इसको और ये सॉन्ग को सुन लीजिएगा। अभी आप यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं तो ये आपके सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है ये। सो यू शुड वॉच इट। ओके, सो वी हैव टू गो पार्ट बी विथ योर ओ क्लॉक पार्टनर। सो चूज वन फॉलोइंग द लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग। दिस इज द लाइन्स फ्रॉम द सॉन्ग। जो आपने सॉन्ग को सुना है उसके जो है लिरिक्स के जो है लाइन्स हैं, तो क्या करना है, यू हैव टू चूज एनी। अब आपको अपने फ्रेंड के साथ चूज करना है, दोनों आप जैसे आपकी जो बगल में आपको पीयर्स रहेगा उसको चूज करना है इसमें। देन जैसे कि आप एक लाइन चूज कर लेते हो, जैसे कि यू है वेवी यू आर फायर वर्क कम ऑन द सो इम वाट यू आर वर्थ। तो ये जो है आपको लाइन चूज कर सकते हैं, माई पार्टनर एंड आई चूज द थर्ड लाइन यू ऐसा आप बोल सकते हैं थर्ड लाइन। ओके, एंड बिकॉज इट इज़ इन माई फ्लेश, इन मतलब कि ये जो है मेरे ऊपर है। तो ये आप बोल सकते हैं इट लुक्स लाइक गुड, ऐसे आपको बोलना है, बिकॉज इट लुक्स लाइक गुड बिकॉज इट्स शोइंग इन माई। ओके, आप बोल सकते हैं ऐसे। एंड इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है, तो ये आप बोल सकते हैं इसमें है कॉज वेवी और फायर वर्क कम ऑन, मतलब कि आप एक मतलब तरीके से एक फायर वर्क हो और आप किस लिए चीज़ को यहाँ पर धरती पे आए हैं, आपको कम आंसू आपको दिखाना है वाई यू आर वर्थ, मतलब किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर हो तो आपको चीज़ को दिखाना है। तो यहाँ पर चीज़ें आप लिख सकते हैं, अब अपना लिख सकते हैं, अपने पार्टनर का व्यूज लिख सकते हैं, क्या इसका मीन्स क्या है, इसका क्या है। यही चीज़ें इसमें था, कुछ है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी हैव टू गो पार्ट सी, व्हाट मेक्स यू यूनिक एंड ओरिजिनल। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपको एक सर्कल में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा जो है ग्रुप में रहेगा, तो एक ग्रुप में आपको बैठा दिया जाएगा, सभी को आपको बुक जो है चेंज करा दिया जाएगा, आपको मतलब कि अपने पीयर्स को दे दिया जाएगा। तो ऐसे आप सर्कल में बैठेंगे, देन वॉट यू हैव टू डू, तो आपको जो है पीयर्स की जो है क्वालिटीज लिखना है, ठीक है, यूनिक एंड ओरिजिनल आपके पीयर्स की क्वालिटी लिखना है। तो आप जैसे कि आप दूसरे को लिखेंगे, आपको पीयर्स आपको लिखेगा, आपको फिर ऐसे ऐसे आपको मतलब कि अलग अलग जो है बुक को ऐसे आप एक तरफ से देंगे और मतलब एक टाइम धर दिया जाएगा। तो जैसे आप कुछ एक तुरंत एक सेकंड में लिखेंगे टॉप
आप उसकी क्वालिटी, उसके बाद फिर दूसरे को दे देंगे। जैसे लिखेंगे आपको दूसरे का बुक आएगा फिर लिखेंगे, तो ऐसे चलेगा 1-2-3 राउंड में। तो ऐसे आपकी क्वालिटीज को यहाँ पर लास्ट में इस क्वालिटीज को आपको वहाँ पर फिल करना है। तो ऐसे आप कोई भी लिख देगा, यू आर वेरी हेल्पफुल गर्ल, यू आर वेरी यू नो फ्रेंडली टू एवरी वन, लाइक ऐसे आपको लिखेंगे वहाँ पर, यू आर वेरी हेल्पफुल, यू आर गुड गर्ल एंड यू आर साई, जैसे आप लोग लिखते हैं ठीक है अपने फ्रेंड अपने पीयर्स के बारे में, तो ऐसे आप वहाँ पर लिख देंगे ठीक है। तो यही चीज़ इसमें था, और इसमें जो है एक लाइन आप चूज करके जो भी आपको समझ में आया है उसको आप लिख देंगे, बिकॉज इट मीन्स इसका अर्थ क्या है, देन ये दैट सॉन्ग आप जो है सुनेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, उसको आपको फिल करना है। फिर मैंने बता दी कैसे क्या फिल करना था ठीक है। तो यही था, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।